हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आसाम की ईटी 2021 के बारे में, जिसे हम ईटी 2021 भी कहते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको आसाम की ईटी के रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन फुल डिटेल में जानने मिलेगी, लाइक आसाम की ईटी 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होता है, किस तरह से हम उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं, और उसका जो एडमिट कार्ड है किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, आसाम की ईटी 2021 का सिलेबस क्या रहेगा, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन आसाम की ईटी 2021 के लिए अप्लाई कर सकता है, हर एक चीज जानेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल में आसाम टीईटी 2021 के रिलेटेड हर एक वीडियो फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूले, ताकि अगर आसाम टीईटी के रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आता है या उसका कोई भी नया इवेंट रिलीज होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आसाम टीईटी 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको नोटिफाई कर पाएंगे कि आसाम टीईटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। और आपको वीडियो से ये भी हेल्प जाएगी कि आपको ये भी पता चलेगा कि जो आसाम टीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज हुआ उसको किस तरह से भरना है, किस तरह से सबमिट करना है, हर एक चीज आपको उस वीडियो में डिटेल में मिल जाएगी। तो मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबा करके। तो चलिए आइए अभी शुरू करते हैं हम आसाम टीईटी 2021 के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपके ब्राउजर पे आना है, और आपके ब्राउजर पे आते ही आपको वहां पे सर्च करना है cpet.co.in, और वो सर्च करके आपको एंटर दबा देना है। जैसे ही आप cpet.co.in सर्च करेंगे तो सबसे पहला ही जो ऊपर रिजल्ट आ रहा है आपको सिंपली उसे ओपन कर देना है। तो आप जब वो पहला रिजल्ट ओपन कर देंगे तो वहाँ पे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये एक cpet.co.in एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको आसाम टीईटी के रिलेटेड हर एक माइनर से माइनर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप जो आपको जो सर्च बार दिख रहा है आपको सिंपली यहाँ पे आना है। अब मुझे आसाम टीईटी के बारे में जो है डिटेल से जानना है, तो मैं यहाँ पे आसाम टीईटी लिख दूंगा। अगर आपको आसाम टीईटी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना है, लाइक उसका एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानना है, तो आप यहाँ पे उसका एप्लीकेशन फॉर्म लिख दीजिए, या एडमिट कार्ड के बारे में जानना है तो आसाम टीईटी एडमिट कार्ड लिख दीजिए। जो भी चीज़ के बारे में आपको जानना है वो यहाँ पे आप सर्च बार में सर्च कर सकते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। जिसके मैं आसाम टीईटी के बारे में सर्च कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे जो है आसाम टीईटी का जो है वो पेज ओपन हो चुका है। तभी मैं सबसे पहले आपको आसाम टीईटी के बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू दे दूं कि जो आसाम टीईटी है उसका फुल फॉर्म है आसाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये जो आसाम टीईटी है वो दो पेपर्स में डिवाइड हुआ है, पेपर वन और पेपर टू, लोअर प्राइमरी सेक्शन एंड अपर प्राइमरी सेक्शन। जो लोअर प्राइमरी सेक्शन है वो क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, मीन्स अगर आप टीचर बनना चाहते हैं क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए तो आप पेपर वन लोअर प्राइमरी के लिए अप्लाई करेंगे, और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं सिक्स से एट स्टैंडर्ड तक के लिए तो आप अप्लाई करेंगे फॉर हायर प्राइमरी मीन्स अपर प्राइमरी, जो कि पेपर टू है। अब हम उसके हाईलाइट्स के बारे में जानेंगे कि आसाम टीईटी को हम शॉर्ट फॉर्म में ईटीईटी भी बुलाते हैं, और आसाम टीईटी का फुल फॉर्म आसाम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जानेंगे कि ये किस टाइप का एग्जाम है। तो ये टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मींस मेन जो एम है आसाम टीईटी का एग्जाम कंडक्ट करने का वो ये है कि जो कैंडिडेट्स रिक्रूट होना चाहते हैं एज अ टीचर इन आसाम स्टेट, बोथ इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड एज वेल एज इन प्राइवेट स्कूल, तो ये जो एग्जाम है ये उनकी एलिजिबिलिटी चेक करता है। ये चेक करता है कि जो कैंडिडेट्स अपने आपको एज अ टीचर रिक्रूट करना चाहते हैं उनमें वो एलिजिबिलिटी है कि नहीं कि वो टीचर बन सके और वो बच्चों को पढ़ा सके। नेक्स्ट ये जो है लेवल एग्जामिनेशन के स्टेट लेवल सिर्फ आसाम में जो है कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कि जो अथॉरिटी कौन है इसकी, जो किसके द्वारा ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जा रहा है, तो उसकी अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ आसाम है, जो आसाम की गवर्नमेंट है वो खुद जो है आसाम टीईटी का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करती है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन मोड है कि इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में रिलीज होता है, मीन जो आसाम की गवर्नमेंट है वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करती है, और फिर हमें उनकी वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके वहीं पे सबमिट करना रहता है। जो एग्जाम है ऑफलाइन मोड में होगा, मीन्स आपको एग्जाम सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा, आपको वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे जाके पेन पेपर बेस्ड आपको वहाँ पे जो है वो एग्जाम जो है वो देना रहेगा। नेक्स्ट जो ड्यूरेशन है एग्जाम का, जो एग्जाम का पीरियड है वो 3 आवर्स का है, टोटल आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे एग्जाम लिखने के लिए। और लास्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आसाम की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे वो भी बता दी गई है। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया वो ऑलमोस्ट आसाम टीईटी के बारे में हर चीज उसमें आ गई, उसका ऑर्गेनाइजिंग बॉडी से लेके उसकी ऑफिशियल वेबसाइट वो क्यों कंडक्ट करते हैं, उसका ड्यूरेशन क्या, हर चीज़ हमने उसका फुल फॉर्म हर चीज़ यहाँ पे आप तब तक हमने जा चुके हैं। अब हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आसाम टीईटी क्विकली
लिंक्स लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, लाइक आपको आसाम GET सिलेबस के बारे में और डिटेल में जानना है या आसाम GET एग्जाम पैटर्न के बारे में और डिटेल में जानना है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, मैं ये जो वेबसाइट है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा, आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करके आपको नीचे स्क्रॉल करके ये जो सेक्शन है इसे ओपन करना है और जिस भी चीज़ के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक मुझे प्रिपरेशन टिप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए और डिटेल में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके क्लिक कर देना है। या तो आप डायरेक्टली गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हैं CET.co.in जो फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, आपको उसे ओपन करना है और साइड में सर्च बार में जाके आपको आसाम CET सर्च करना है तो भी आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता सको। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे आसाम TET के इम्पोर्टेंट डेट्स आ गए, तो जो आसाम TET का जो एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली सेप्टेम्बर के मंथ में ही जो है कंडक्ट होता है और जो भी उसके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स हो गई, लास्ट डेट टू अप्लाई, एडमिट कार्ड की डेट्स हो गई या रिजल्ट कब डिक्लेयर था उसकी डेट्स, यहाँ पे जब ऑफिशियल अथॉरिटी रिलीज करेगी तो टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट होती रहेगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, आसाम TET एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहली बात तो गाइस कि जब आप आसाम TET एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपको बहुत ही सावधानी से भरना रहता है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक करेंगे, चाहे माइनर से भी गलती होगी, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। और कभी कभी ये भी होता है कि आपका एप्लीकेशन करेक्शन मीन्स जो एप्लीकेशन आप एडिट कर सकते हो वो भी आपको चांस नहीं मिलता किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो फिर डेफिनेटली आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर फेक डिटेल्स या गलत डिटेल्स रहेगी तो रिजेक्ट भी होना है उस सिचुएशन में। तो इसके लिए आपको जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही ज़्यादा सावधानी से भरना रहता है। लाइक आपको जो लिंक प्रोवाइड की जाएगी आपको सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक करके आपको जो भी डिटेल्स वहाँ पे पूछी जाएगी वो आपको भरना है। लाइक आपको बोला जाएगा आपका नाम भरना है, आपका पिताजी का नाम, मदर का नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस जिससे आपको वो कॉन्टैक्ट कर पाए, और ये सब नॉर्मल डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, आपको वो सब भरनी रहेगी। पर गाइस आप मेक श्योर करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि अभी कुछ दिनों में मैं आसाम TET एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर भी एक फुल डिटेल वीडियो डालने वाला हूँ कि आप कौन सी लिंक पे आपको जाना है और किस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस उसमें पूरा बताया जाएगा। और उसी के साथ साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपका जो फोटोग्राफ, आपका जो सिग्नेचर है उसका भी स्कैन कॉपी करके आपको वो भी अपलोड करना रहता है, तो वो भी उसमें बताया जाएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर से आपको आपका जो फोटो कॉपी और जो सिग्नेचर का फोटो कॉपी रहेगा उसको स्कैन करना और कितनी साइज का वो रहना चाहिए अपलोडिंग करने के लिए वेबसाइट में, कितने KB मिनिमम रहना चाहिए या कितने KB मैक्सिमम रहना चाहिए। और उसी के साथ साथ फी पेमेंट भी जो है वो भी आपको उस वीडियो में बताया जाएगा, तो मेक श्योर कर लीजिए कि आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करके रखें। फिर नेक्स्ट उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दिया गया है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं हिंदी के लिए, हिंदी सब्जेक्ट के लिए, संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं, क्लासिकल टीचर बनना चाहते हैं, मीन जो जो टीचर्स बनना चाहते हैं, जो जो कैटेगरी के टीचर है उसके लिए हर कैटेगरी का अलग 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 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बता दी गई है, तो उसके हिसाब से आप जो टीचर बनना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी आप नेक्स्ट यहाँ पे किस तरह से एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप मेक श्योर करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। देखिए यहाँ पे भी नॉर्मल जाओगे, आपको पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद आपको सर्च करना है एप्लीकेशन लिंक के लिए, आपको ओपन करके फिर जो डिटेल्स मांगे जाएंगे वो अपडेट कर देना है, फिर उसके बाद आपको आपका सिग्नेचर, आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करना है। तो बहुत से लोगों को इसमें बहुत दिक्कत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो आप टेंशन मत लीजिए, हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आसाम TET एप्लीकेशन फॉर्म के रिलेटेड, उसमें हम ये चीज़ करके बता देंगे आपको पूरी तरह से। और फिर आप किस तरह से आपका जो है एप्लीकेशन फ़ी भर सकते हैं, ऑनलाइन मोड कौन सी चीज़ सेलेक्ट करके वो भी हम आपको बता देंगे, पूरी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं आसाम TET एग्जाम पैटर्न के ऊपर। गाइस अगर आप आसाम TET का अप्लाई कर रहे हैं तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, ये दो चीज़ आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो ये दोनों आपको जानना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि अगर ये आपको नहीं पता रहेगा तो आपका जो अच्छे मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल नहीं है। तो लाइक सबसे पहले जो आसाम TET के एग्जाम पैटर्न में चीज़ बताई गई है क्या कि आपको जो आसाम TET में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, और टोटल जो वेटेज रहेगा पेपर का वो रहेगा 200 मार्क्स का रहेगा, और जो एक क्वेश्चन रहेगा वो एक मार्क्स के लिए रहेगा। और अगर आप किसी एक क्वेश्चन, कोई एक प्रश्न का उत्तर आप देते हैं, अगर वो उत्तर सही रहेगा तो आपको जो है एक मार्क्स अलॉट किया दिए जाएंगे, मीन्स आपको उस सही उत्तर के लिए एक मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप वही उत्तर प्रश्न का, मीन्स वो क्वेश्चन का कोई गलत आंसर देते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, मीन्स आपके जो गलत जवाब देने पर आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आप सिलेबस पे, तो यहाँ पे आपको आसाम TET का सिलेबस मिल जाएगा कि जो अगर आपका टीचर बनना है आसाम TET के लिए तो आपको सिलेबस जानना भी ज़रूरी है, आपको अच्छे ग्रेड लाने के लिए, तो कौन से सब्जेक्ट, कौन सी टॉपिक्स ज़्यादा पूछा है तो वो आपको यहाँ पे सिलेबस में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आप आ जाते हैं एडमिट कार्ड के ऊपर।
सो फ्रेंड्स, जो आसाम टीईटी का एडमिट कार्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडमिट कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आप आसाम टीईटी का जो एग्जाम है वो देख ही नहीं सकते। इनफैक्ट आपको एग्जाम सेंटर के अंदर भी वो घुसने नहीं देंगे विदाउट एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड आपको बहुत ही सावधानी से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट आउट लेकर रखना है। लाइक आसाम टीईटी का एडमिट कार्ड जो है अभी आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबा के रखिए, ताकि हम आसाम टीईटी का एडमिट कार्ड जब भी रिलीज होगा तो हम तुरंत उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको वीडियो के माध्यम से नोटिफाई कर पाएंगे कि आसाम टीईटी का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है और किस तरह से आपको आसाम टीईटी का एडमिट कार्ड वो डाउनलोड करना है आपको उस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है कि स्टेप्स टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, मीन्स अगर आसाम टीईटी का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है तो आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको लिंक देखिए एडमिट कार्ड, आपको उस पर क्लिक करके वो लिंक को ओपन कर देना है। जैसे आप वो लिंक को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल्स पुट करनी रहेगी, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल वहाँ पे मांगेगी आपको पुट करनी रहेगी। जब आप वो डिटेल्स डाल देंगे तो जो एडमिट कार्ड है वो आपके स्क्रीन पे अपने आप वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, फिर आप वो सर्टिफिकेट आपको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस जो लिखे हुए टेक्स्ट में नहीं समझ आ रहा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, हम इसके रिलेटेड भी अभी आगे एक दो थोड़े दिनों में वीडियो बना के डालने वाले हैं कि एडमिट कार्ड किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वही सेम चीज़ फॉलो होती है रिजल्ट के लिए, जब भी आसाम टीईटी का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो हम वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हमारे सब्सक्राइबर्स जो है उन्हें ये चीज़ का नोटिफाई कर देंगे कि जो आसाम टीईटी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है, ताकि उन सबसे पहले जाके अपना रिजल्ट चेक कर पाए। क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि जब तक कैंडिडेट्स को पता चलता है कि रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तब तक बहुत सारे लोगों को पता चल चुका रहता है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो एक साथ बहुत ही ज़्यादा तादाद में जो कि लोग हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करने जाते हैं कि उनका रिजल्ट क्या आया है। तो जब वो चेक करने जाते हैं तो वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा लोग उस पर चेक करने आते हैं। इसके वजह से जो ऑफिशियल वेबसाइट है कभी कभी ओपन नहीं होती या बहुत ज़्यादा टाइम लेती है ओपन होने के लिए। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा होगा और अगर वन सिग्नल नोटिफिकेशन आपने जो है वो दबाया रहा होगा तो हम जो है आपको वीडियो से नोटिफाई कर देंगे कि हमारा जो है रिजल्ट जो है वो रिलीज हो चुका है आसाम टीईटी का। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो देखने के बाद अभी भी आपको आसाम टीईटी के रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जरूर आपके कमेंट सेक्शन में ही उसके डाउट्स आपके जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको इसके बारे में और कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग को कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके ऊपर और डिटेल वीडियो इन्फॉर्मेशन बना देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।